ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2019 से 2020 के दौरान देश की जीडीपी बढ़त के अनुमान को 6.1% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके पहले रिजर्व बैंक ने अक्टूबर महीने में नीतिगत समीक्षा में यह अनुमान जाहिर किया था कि वित्त वर्ष 2019 से 2020 में जीडीपी बढ़त 6.1% हो सकती है। कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया था। अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि जोखिम पर संतुलन बनने के बावजूद जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कम रह सकती है। गौरतलब है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6 साल के निचले स्तर यानी 4.5% तक पहुँच गयी थी। मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। उन्नाव में एक रेप पीड़िता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 5 आरोपियों ने गांव के बाहर खेत में युवती को जलाने की कोशिश की। हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि युवती 90% जल चुकी है और उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता के साथ इस साल मार्च में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। जलाने वालों में रेप के 2 आरोपी भी शामिल हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा, जहां से उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। उन्नाव में रेप पीड़िता को जिंदा जलाने के मामले की जांच शुरू हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि 90% जलने के बाद भी पीड़िता घटनास्थल से 1 किलोमीटर तक पैदल चली थी। इसके बाद उसने घर के बाहर काम कर रहे एक व्यक्ति से मदद भी मांगी। पीड़िता ने खुद ही 112 पर फोन किया और पुलिस से आपबीती बताई। केंद्र सरकार के द्वारा लाए जा रहे नागरिकता संशोधन बिल का विपक्षी पार्टियां जमकर विरोध कर रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना ने इस मसले पर अपना रुख साफ कर दिया है और वह इस बिल के समर्थन में है। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में सरकार की बात अपनी जगह है, लेकिन देश के मामले में वह अपने कमिटमेंट पर अड़िग है। देश भर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं और विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज संसद परिसर में प्याज की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। जमानत मिलने के बाद आज संसद पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस सांसदों के साथ चिदम्बरम ने पोस्टर लेकर बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। 106 दिनों के बाद जेल से बाहर आए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पी चिदम्बरम ने अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर से लेकर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पी चिदम्बरम सरकार पर बरसे और कहा कि मोदी सरकार को मान लेना चाहिए कि देश में मंदी है, ये सरकार अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह से दिशाहीन है। पी चिदम्बरम ने कहा कि आज प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चुप है। उन्होंने अपने मंत्रियों को इसे झेलने के लिए छोड़ दिया है। हमारे लिए खुशी की बात होगी कि अगर जीडीपी 5% तक भी पहुंचती है, क्योंकि जीडीपी के गणित को जिस तरह से बदला गया है उस हिसाब से हालत 1.5% तक है। कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे सभी सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। उपचुनाव के नतीजे 9 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें कि इन 15 सीटों में से कम 6 सीटों पर जीत येदुरप्पा सरकार के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में बीजेपी को अपनी सरकार बचाने के लिए जीत का सिक्सर जड़ना जरूरी है। अमेरिका के हवाई स्थित मिलिट्री बेस पर्ल हार्बर पर कल दोपहर एक हमलावर ने खुलेआम गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इसमें रक्षा विभाग के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अफसरों के मुताबिक हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को गोली मार ली। उसकी पहचान अमेरिकी नौसैनिक के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया घटना के वक्त पर्ल हार्बर में ही थे। वे हिंद प्रशांत क्षेत्र के अफसरों के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के सभी अधिकारी सुरक्षित हैं। पॉपुलर स्टार टाइगर श्रॉफ अपनी एक्शन और डांस मूव्स के लिए काफी लोकप्रिय हैं। सर्बिया की कड़कड़ाती ठंड में टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्म बागी 3 की शूटिंग कर रहे हैं और उनकी मां आयशा श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर के साथ अपने बेटे के लिए एक मैसेज शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, अपने बेटे के साथ लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ वो नंगे बदन 0 डिग्री तापमान पे शूट कर रहा है। डेडिकेशन, मेहनत, अनुशासन, विल पावर और परफेक्शन के साथ वो अपने सारे काम करता है और यही कारण है कि मैं उसकी फैन हूँ। टीम टाइगर, अहमद खान, NGE और क्रू का शुक्रिया जिसके सहारे टाइगर विषम परिस्थितियों में शूटिंग को कर पा रहा है ताकि ये एक शानदार फिल्म साबित हो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें A1 न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी।
नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।